Hi guys, welcome back to my YouTube channel. मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि वापस मैं आपके साथ कई सारी डिटेल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. और आज की जो पहली रेसिपी है ना, इट इज़ अ क्लासिक. हम बना रहे हैं आटे का हलवा, जिसे कड़ा प्रसाद भी कहा जाता है. गोल्डन टेम्पल का कड़ा प्रसाद मुझे काफ़ी पसंद है. कड़ा प्रसाद को कड़ा प्रसाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे कढ़ा के कढ़ाई में बनाया जाता है. चलिए शुरुआत करते हैं. मैं आपको एग्जैक्ट प्रपोर्शंस दूंगी जिससे जो आपका हलवा है वो बनेगा बिल्कुल परफेक्ट. ये सारे इंग्रेडिएंट्स का जो तालमेल है वही इस रेसिपी का सोल है. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे एक शुगर सिरप. वैसे अगर आपको चीनी यूज ना करनी हो तो आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमें लेनी है 1 कप चीनी और 2 कप पानी. आपके मेजरमेंट्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए. सो 1 कप चीनी को डालेंगे किसी भी पैन में. आप पतीले में भी ये कर सकते हैं. ये करीबन 200 ग्राम चीनी है. इसमें हमें लेना है 2 कप पानी. सेम कप में आप पानी ले लें. ये करीबन 1/2 लीटर पानी है. हम इसे साइड पे बस पकने देंगे. कोई चाशनी वगैरह तैयार नहीं करनी है. बस जो चीनी है उसे हमें डिसॉल्व करना है. अब हलवा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है घी. आप जितना घी ले रहे हैं उतना ही हमें लेना है आटा. चीनी, आटा और घी तीनों लेना है 1 कप और पानी लेना है 2 कप. जो हमारी चाशनी है हमने अभी इसमें कोई केसर नहीं डाला है, लेकिन थोड़ा सा केसर भी आप इसमें डाल लें. केसर से एक अच्छा रंग आएगा, साथ ही साथ जो इसका फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा इन्हांस होगा. 1 कप हम डालेंगे घी. सेम 1 कप हमें लेना है आटा. हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है. कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहें. वेल, कड़ा प्रसाद या फिर आटा का हलवा बनाने के लिए ना पेशेंस चाहिए. हमें जो इसका कलर है इसे करना है सुनहरा, यानी कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन वाले टोन में हमें इसे ले जाना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आटे का कलर है वो चेंज हो गया है. ये जो चाशनी है बहुत केयरफुली हमें डालना है आटा और घी वाले मिक्सचर में. जैसे ही हम इसे डालेंगे ये बहुत बड़े बड़े बबल्स आने लगेंगे, इसलिए थोड़ा कॉन्स्टेंटली इसे स्टर करते रहें. इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि इसमें कोई लंप्स ना हो. अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर. हलवा का कलर परफेक्ट, हलवा का टेक्सचर परफेक्ट, खुशबू भी परफेक्ट. तो चलिए इसे सर्व करते हैं. आप हलवा को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर किसी भी बोल में आप इसे शेप दे सकते हैं. तो मैं इसे एक बोल में डाल रही हूँ और इस तरीके से इसे प्रेस करके थोड़ा सा लेवल कर लें. अब इसे हमें पलटना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज परफेक्ट, लुक्स रियली गुड. इस पे डालेंगे थोड़ा पिस्ता और बादाम एंड गार्निश करने के लिए थोड़े गुलाब की पत्तियां. परफेक्ट आटा का हलवा या कड़ा प्रसाद हो गया है तैयार. आप भी इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी कैसी बनी. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आगे और भी अमेजिंग रेसिपीज आने वाली है. कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं और हम आपके लिए वो रेसिपी लेके आएंगे. टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय.